हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अजय देवगन की मैदान एंड अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां, दोस्तों दोनों ही मूवीज रिलीज होने को तैयार हैं और वो भी 10 तारीख को। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि 10 तारीख को जिस दिन ये दोनों मूवीज रिलीज हो रही हैं उस दिन ईद नहीं है। ईद से एक दिन पहले ये दोनों मूवीज रिलीज हो रही हैं। ईद है 11 तारीख की, ये अपने दिमाग में रखना, क्योंकि उस दिन है प्री ईद कह सकते हैं, यानी कि ईद से एक दिन पहले ये मूवियाँ रिलीज़ हो रही हैं। अब बात करता हूँ देखो इन दोनों की एडवांस बुकिंग की। सबसे पहले मैदान के बारे में आपको बता दूँ कि भाई मैदान का यहाँ पे दोस्तों कितनी एडवांस बुकिंग अभी टिल नाउ इस टाइम में 2 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ और 2 बजे इस टाइम ये मूवी कितना एडवांस बुकिंग लेके बैठी है एंड आगे कितना हो सकता है और डे वन में ये मूवी कितना जो है ओपनिंग ले सकती है, ये मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बताता चलता हूँ। और देखो जितना यहाँ पे एडवांस बुकिंग नंबर्स होता है उस हिसाब से ही प्रेडिक्शंस निकलते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट होते हैं वो यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग को देख के। और मैं भी दोस्तों आप लोगों को इसकी एडवांस बुकिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे बताता चलूँगा कि ये मूवी कितना एडवांस बुकिंग ले सकती है अपना फर्स्ट डे में, पहला शो स्टार्ट होने से पहले। देखो अभी यहाँ पे जो इसकी एडवांस बुकिंग दोस्तों निकल के आ रही है वो आ रही है 7.99, यानी कि 8 लाख रुपए ऑलमोस्ट ये मूवी अपना एडवांस बुकिंग कर चुकी है एंड 4,471 इसको जो है टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड जो इसके टिकट प्राइस रेट है ATP है 205 रुपये, शोज़ हैं 436, यानी कि मेकर्स ने अभी सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को 2D में ही ओपन किया है। ऑल यहाँ पे फॉर्मेट नहीं है, IMAX नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2D में। तो 2D से 8 लाख रुपए की ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवांस बुकिंग हैव बीन जो है रिजर्व्ड, लोगों ने यहाँ पे सीटें रिजर्व कर ली हैं एंड 4,471 सोल्ड आउट है टिकट्स। एंड आगे बात करूँ तो देखो भाई यहाँ पे जो दिल्ली है 2D 1,89,000 की एडवांस बुकिंग हो गई है एंड 47 शोज़ हैं दिल्ली में। मुंबई में 63 शोज़ हैं, 1% की ऑक्युपेंसी है, 68,000 की एडवांस बुकिंग है। जयपुर में 2,76,000 की एडवांस बुकिंग है भाई, इसके शोज़ हैं 18 एंड 3 ऑलमोस्ट फुल हैं। बात करें देखो भाई यहाँ पे पूना की, पूना में दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे अभी एडवांस बुकिंग हुई नहीं है एंड 15 शोज़ हैं, 5,000-7,000 की एडवांस बुकिंग है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी यह है कि देखो आगे जाके धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है हर हर सिटीज़ में लोग बाग कर ही रहे हैं। बाकी बड़े मियां छोटे मियां दोस्तों यहाँ पे भोपाल में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई भोपाल से मेरी ये वीडियो देख रहा है तो जल्दी से वहाँ पर आप एडवांस बुकिंग को कर लें और मुझे लगता है कि आज रात को कुछ सिटीज़ में BMCM की भी एडवांस बुकिंग ये लोग स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मैदान की ओवरसीज़ की, कि ओवरसीज़ में क्या चल रहा है। देखो मैं दोनों ही मूवीज़ की बात करूंगा, ना तो मैदान की बात करूंगा ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, दोनों ही मूवीज़ की बात करूंगा और जो इस टाइम पे बॉलीवुड में मूवीज़ आ रही है मैं उनकी भी बात करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो इस टाइम पे पीक पे छाई हुई हैं दोनों मूवीज़ वो सिर्फ यही हैं, मैदान और भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ। भाई देखो मैदान को फ़ायदा, मैंने जब शैतान आई थी मैंने एक बार आपसे एक बात बोली थी, मैंने देखो शैतान आ रही है, शैतान अगर यहाँ पे चलती है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैदान को होगा, क्योंकि मैदान की इतनी हाइप नहीं थी और इतनी ज़्यादा पोस्टपोन होने के बाद में मूवी का जो एक क्रेज़ होता है वो फैंस के दिलों में से निकल जाता है। तो शैतान की वजह से यहाँ पे मैदान को फ़ायदा हुआ, 200 करोड़ से ऊपर शैतान जा चुकी है, तो उसमें अजय देवगन थे और इसमें भी अजय देवगन है, तो इस वजह से स्टार्स टू स्टार्स से मूवी को यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो अब मैदान का दोस्तों जो क्रेज़ है वो अनबिलीवेबल है, यही नहीं ओवरसीज़ में भी। बात करूँ मैं UAE की, देखो अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक या दो जनों को ही पता है, यानी कि एक या दो जनों ने ही यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि एक्चुअली मैं ओवरसीज़ में इस मूवी का क्या यहाँ पे जो है क्रेज़ होने वाला है। दोनों ही मूवीज़ की बात कर रहा हूँ देखो मैं, बाकी यह है कि देखो 3 घंटे का रन टाइम है मैदान का, क्योंकि इतना ज़्यादा रन टाइम है ऐसी अच्छी मूवीज़ जो होती हैं और भी बड़ी बड़ी वो भी यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि उनका यहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे सब अब ऐसा हो गया है कि चलो 3 घंटे का रख दिया जाता है जैसे कि एनिमल थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई लंबी मूवी है तो वो बेकार होगी, उसको भी यहाँ पे अच्छा दोस्तों देखा गया है। पब्लिक जो है यहाँ पे पूरा यहाँ पे सपोर्ट करती है, कोई 3 घंटे की मूवीज़ होती है जैसे कि एनिमल थी और भी बहुत सारी फिल्में,
तो मुझे लगता है कि 3 घंटे की अगर मूवी यहाँ पे बनाई गई है तो यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और पब्लिक यहाँ पे अगर सीट पे बैठेगी मूवी देखने के लिए और जब उठेगी तो पूरी यहाँ पे वो यहाँ कनेक्ट होके निकलेगी कि हाँ हमने एक प्रॉपर सिनेमा, एक प्रॉपर चीज़ देख के बाहर निकले हैं। पूरे तरीके से वो एक तरीके से देखा जाए कि पूरी यहाँ पे समझ के निकलेगी हाँ ये चीज़ ऐसे थी। असल में क्या, पब्लिक को अगर मूवी के अंदर एक एक चीज़ समझ में आ जाए ना कि ये ऐसे थी ये ऐसे थी, तो एक्चुअली में क्या होता है वो दूसरों को भी जाके बताता है, और वो दूसरों को बताएगा तो वो ऐसा होगा कि जब वो खुद समझ लेगा तो दूसरों को भी तो जब ही बताएगा ना, अगर कुछ अटपटी सी स्टोरी होगी तो दूसरों को बता नहीं पाएगा, उससे यही कहेगा कि भाई तेरी मर्जी तू जाके देख ले मुझे तो मज़ा नहीं आया, बात को समझ के चलना। तो यही चीज़ भाई 3 घंटे की, अगर अब जैसे कि एनिमल थी भाई हमें एक एक चीज़ समझ में आई 3 घंटे तो ऊपर की थी, अब जो मैंने देखा है 3 घंटे के आसपास की अगर कोई मूवीज़ होती हैं तो उसमें प्रॉपर पब्लिक को समझ में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। एंड यूएई में दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, यूएई में 8 तारीख जो 8 अप्रैल आ रही है, 8 तारीख से 14 अप्रैल तक छुट्टियां हैं, यानी कि वहाँ पे एक बहुत ही लंबा वीकेंड है और ईद की यूएई में छुट्टियां हैं। तो इससे क्या होगा, इससे भाई दोनों ही मूवीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे किसी किसी को पता नहीं है कि भाई ये सीन यूएई में ऐसा हो रहा है। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो छुट्टियाँ होंगी उसमें BMCM यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा एंड यहाँ पर मैदान को भी फ़ायदा होगा। अब देखा जाए, देखो मैदान की तो एडवांस बुकिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी ही है एंड अभी यहाँ पे BMCM की फुल फ्लैज बाकी है। बाकी एक चीज़ और है, बुक माई शो पे जो दोनों का इंटरेस्ट है मूवीज़ का वो किस किस का कितना है, देखो भाई मैदान का है 94,600 यानी कि 94.6 के मैदान का है एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ का है 97.3, यानी कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जितना मैदान का है भाई 90 से ऊपर यानी कि 1 लाख के आसपास का इंटरेस्ट मैदान का भी आ रहा है और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का भी आ रहा है, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि क्रेज़ जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कोई क्रेज़ बढ़ के आए तो मुझे नहीं लगता कि BMCM आगे चल रही है, दोनों बराबर ही चल रही है, दोनों की कांटे की टक्कर है। और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ मैदान को, आप लोग बिल्कुल ये मत समझना कि हल्के में मत लेना, क्योंकि मैदान एक ऐसी मूवी है जो कि एक पॉइजन की तरह काम करेगी, धीरे धीरे लोगों के दिल दिमागों में काम करेगी। जैसे कि शैतान थी, शैतान की आप याद करो जब उसकी एडवांस बुकिंग लॉक हुई थी तो पता है कितनी हुई थी, 2 से 2.5 करोड़ के आसपास, लेकिन मूवी की ओपनिंग कितनी ली थी, डबल डिजिट में ओपनिंग ली थी किसने, शैतान ने। और मैंने आप लोगों को उसी दिन बता दिया था, मैंने देखो 2-2.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग आ रही है लेकिन ये मूवी 10 करोड़ से ऊपर जाएगी, और 10 करोड़ के आसपास 200 ऊपर उसने आराम से डबल डिजिट की डे वन की ओपनिंग आराम से ली थी। तो यही मैं कह रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि एडवांस बुकिंग अगर हो रही है तो असल पता है क्या होता है, एक्चुअली में एडवांस बुकिंग अगर आप लोग कर रहे हो जाके देखना मैदान में देखना, अगर वहाँ पे सीटें फुल हैं पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक ये सोचती है यार सीटें फुल हैं तुम भी कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि टिकट ना मिले। अब यहाँ पे अगर टिकट नहीं हो रही है तो पब्लिक क्या सोचती है, यार टिकट नहीं हो रही है हम क्यों 20-25 रुपये का बुक माई शो पर इंटरेस्ट दें बुक माई शो वालों को, इससे बढ़िया क्या होगा हम थिएटर में जाके टिकट ले लेंगे। अब सारे के सारे उधर ही भागते हैं, तो ऐसा होता है कि एडवांस बुकिंग तो कम दिखती है लेकिन जो डे वन की ओपनिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों से कह रहा हूँ, लेकिन इस बार इस वीकेंड पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट जितनी भी मूवीज़ आई हैं अभी इस साल उसमें तो ऐसा हो ही रहा है, इवन फाइटर में भी यही हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों यह है कि देखते हैं आते आगे होता क्या है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।